हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देखिए TCS जो है इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और इसको टैली में अप्लाई करना बड़ा आसान है। देखिए TCS सेल्स वाउचर में लगाया जाता है, तो अगर आप सेल्स वाउचर में जाते हैं तो उससे पहले आपको TCS को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। तो कहाँ से एक्टिवेट होगा, यहाँ से F11 की प्रेस कीजिएगा, गेटवे ऑफ टैली। ये देखिए ये टैली की क्या है मेन मेन्यू है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि टैली की मेन मेन्यू है गेटवे ऑफ टैली, यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये टैली की मेन मेन्यू है, ये हमारी कंपनी बनी हुई है इंडियन शॉप नाम से। इसके अंदर हम क्या एक्टिवेट करना चाहते हैं, TCS एक्टिवेट करना चाहते हैं, ठीक है। उससे भी पहले हम करंट डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे डेट हो सकता है कि ये हमें ना चाहिए हो, तो यहाँ पे हम 1/5/2023 कर देते हैं, और अब ये डेट चेंज हो गई। अब इसमें हमें करना क्या है, TCS को एक्टिवेट करना है, तो F11 आप प्रेस कर सकते हैं, और F11 प्रेस करके कहाँ जाएंगे, नीचे। ये देखिए TCS जो है नो है, इसको यस कर देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और यहाँ पे टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कंपनी है, इंडिविजुअल है, कलेक्टर का टाइप क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, और यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो है उसका नाम आता है, जिस तरीके से कि मैंने दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये बहुत आसान है, इस तरीके से देखिए आर्या सिंह दिया हुआ है, मिस्टर रमेश सिंह CA, और जो भी डिटेल है इनका, पैन आईडी वगैरह सब कुछ दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ एंटर 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 करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, बस ये काम करना है, ये TCS चालू हो गया। अब चालू तो हो गया, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे वी बटन प्रेस करके सेल्स वाउचर में आएंगे। सेल्स में आपको आ जाना है, जैसे मैं आ चुका हूँ सेल्स में, और यहाँ पर एक डेटर पार्टी का लेजर बनेंगे, डेटर, ठीक है, क्योंकि सेल्स में तो डेटर ही पार्टी आएगी, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं एक डेटर पार्टी बना लेता हूँ, महेश, ठीक है, और पहचान के लिए यहाँ डी लिख देता हूँ, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये डेटर ही पार्टी है। और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप चूज करेंगे, ठीक है, डेटर का, क्रेडिटर नहीं बल्कि डेटर, ठीक है। और यहाँ पे TCS एप्लीकेबल होगा, TDS नहीं बल्कि TCS, ठीक है, इसमें TCS ही हम करेंगे, TDS नहीं करेंगे। और यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, और एंटर करते हुए यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पे आनी कंपलसरी है, तो जो भी इनकी पैन कार्ड की डिटेल हो वो डाल करके, और यहाँ प्रोवाइड पैन डिटेल्स को यस कीजिएगा, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा, बाकी एंटर एंटर करके बाकी डिटेल भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सेल्स अकाउंट का लेजर आता है, तो सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, बाकी जो स्टॉक आइटम आपके पास, मैं यहाँ पे सेल्स करता हूँ, फिर आते हैं नीचे, ये लैपटॉप है, और या फिर लैपटॉप ही रखते हैं, लेकिन लैपटॉप 5 हमारे पास है, तो इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक की बात करेंगे, और रेट क्या है, 50,000, ठीक है, यहाँ पे क्या डाल दिया रेट, 50,000, ठीक है। और यहाँ पर अब TCS का जो लेजर है वो आएगा, तो यहाँ पे Alt-C करके TCS बनाएंगे, तो TCS ये कर दिया हमने, और यहाँ पर ये ग्रुप जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, और यहाँ पे TCS रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप ये हमने बनाया नहीं, लिस्ट ऑफ नेचर, तो Alt-C करके बना लीजिएगा TCS ऑन सेल्स, इस तरीके से करके आप बना सकते हैं, 194QA जो भी हो, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और ये पेमेंट कोड रहेगा आपका विथ पैन, सपोज कीजिए 5%, विदाउट पैन 20%, ठीक है, ये सारा डिटेल डाल के। और यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट डालनी होगी, तो 30,000 डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, 30,000, ठीक है, ये कर दिया हमने। और यहाँ पर एंटर करेंगे, इसे एक्सेप्ट कराएंगे, और एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कराएंगे, तो यहाँ पर TCS देख सकते हैं, ये कैलकुलेट फिलहाल तो नहीं कर रहा है। और इस तरह की दिक्कत, आप अगर नया नया काम करना स्टार्ट किया आपने, तो आपको खूब होती है इस तरह की दिक्कतें। अब ये दिक्कतें क्यों आती हैं, क्योंकि आप TCS को सही से कैलकुलेट नहीं, आप परचेस का लेजर बनाते समय गलती किया, सन्डे क्रेडिटर सन्डे डेटर पार्टी का लेजर बनाते समय गलती किया, इस तरह की बहुत सारी गलतियां आपसे हो जाया करती हैं, जिसकी वजह से ये TCS जो है कैलकुलेट नहीं हो पाता है, और आप हो जाते हैं परेशान। तो ये TCS कैसे कैलकुलेट हो, सेल्स के लेजर में शायद गड़बड़ी हुई है, सेल्स के लेजर में, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो हमें अभी सेल्स के लेजर को अल्टर करना होगा, और अल्टर करके देखेंगे कि सेल्स के लेजर में क्या गड़बड़ी है, कहाँ हमने गलती कर दी, जिसकी वजह से जो है ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो सेल्स के लेजर, अब हो सकता है कि डेटर पार्टी के लेजर में गड़बड़ी हो, लेकिन पहले हम सेल्स के लेजर को अल्टर करेंगे, शायद वहां गड़बड़ी है, जो कि मुझे लग रहा है कि वही गड़बड़ी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डेटर पार्टी या परचेस करते समय, TDS कैलकुलेट करते समय क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाते हैं, तो उस समय पैन नंबर वगैरह सही से डालिएगा, नहीं तो ये फिर भी कैलकुलेट नहीं करता, और ऐसे स्थिति में आपको परेशानी होती है। तो इन सब चीजों का आपको बहुत बखूबी ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक बार चेक करते हैं सेल्स के लेजर को, ठीक है, सेल्स के लेजर में अगर दिक्कत होगी तो फिर तो ये सही हो जाएगा तुरंत, एक बार चेक किया जाए, ठीक है। तो चलते हैं, आइए अल्टर पर।
अल्टर पे जाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से बाहर आ जाते हैं, एस्केप बटन प्रेस करना है। कौन सा बटन? एस्केप बटन। एस्केप बटन बिल्कुल लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर होता है, ESC लिखा होता है, उसे प्रेस कर दीजिएगा, बाहर आ जाइएगा। बाहर आने के बाद गेटवे ऑफ टैली, ये देखिए ये टैली की मेन मेन्यू है और यहीं पर आपको आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आकर कहाँ जाना है? अल्टर पर। ये अल्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा या ए बटन भी प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप सीधा अल्टर पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेजर में जाने के लिए आप देखिए सेकंड वाला लेजर है, और यहाँ पे जाके एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लेजर आपको दिखाई देंगे, हमारा वाला कौन सा है? सेल्स का है। देखिए ये नीचे सेल्स दिया हुआ है, टीसीएस को अनडिफाइंड रख दिया गया है। जब सेल्स का लेजर आप अल्टर करेंगे तो यहाँ पे टीसीएस अनडिफाइंड मिलेगा, तो इसे डिफाइंड कर दीजिएगा, अप्लीकेबल रखिएगा, ठीक है। और यहाँ टीसीएस ऑन सेल्स रखिएगा, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब जब एंट्री पास कीजिएगा तो वो एप्लीकेबल ही आपको मिलेगा। देखिए कैसे यहाँ पर सब रेफरेंस नंबर हमने डाल दिया, एंटर किया, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर एंटर किए, एंटर करेंगे और एंटर करके यहाँ पर वही लेजर अब आएगा दोबारा से, तो उसी लेजर को लगा लेना है आपको। ये लगा दिया महेश, जो लेजर बनाया था हमने, ये लगा करके एंटर करिएगा। यहाँ पे सेल्स का लेजर आएगा, बाकी यहाँ पे जो भी स्टॉक आइटम था हमारा, लैपटॉप था या जो भी, तो यहाँ पे दो लैपटॉप लेते हैं और एक लैपटॉप 50,000 का, ठीक है। कितने का? 50,000। तो दो लैपटॉप 1,00,000 के हुए, और यहाँ पे बाकी टीसीएस का लेजर जो भी है लगा दीजिएगा। यहाँ पर आके ये लगाया तो यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 रुपये टीसीएस हमने कलेक्ट कर लिया है। और इस पे जीएसटी अगर देना चाहते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे सीजीएसटी आ जाएगा कैलकुलेट होकर। हालांकि जीएसटी इसमें एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो फिलहाल इस जीएसटी को रहने देते हैं। बाकी टीसीएस तो आपका आ ही चुका है, देख सकते हैं, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। अब एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ से बाहर आएंगे, दोबारा डीबी प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आपको TCS जो है मिलेगा आपको। इसमें देख सकते हैं यहाँ आई बटन प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए TCS भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा। और इसमें भी चेंजेस अगर आप चाहते हैं कि कितना परसेंट TCS कैलकुलेट हो रहा है ये भी लिखा है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिगर पे जाना होगा। ये जो कॉन्फिगर है यहाँ पर आकर के और सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कितना परसेंट TCS लग रहा है, तो स्टेटरी डिटेल लिख करके है, ये देख रहे हैं, तो ये यस है। और TCS कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम आप चाहे तो यस कर सकते हैं यहाँ पे, तो TCS डिटेल को यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक करिएगा तो ये यस हो जाएगा, और कंट्रोल लेकर के आई बटन प्रेस कर लीजिएगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए ये भी दिखा रहा है कि कितना परसेंट TCS कटा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे टैक्स, इनकम टैक्स ये दिख रहा है ना, तो यहाँ 5% का कटा हुआ है क्योंकि पैन कार्ड मौजूद है, तो 5% का TCS कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप TCS कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके पहले भी कई सारे वीडियोज मैंने TCS के ऊपर बनाई हुई है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि TCS कहाँ पे लगता है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सेल्स में ही TCS आपको लगाना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। अगर यही हम बात करते हैं TDS की, तो TDS के लिए आपको परचेज में जाना चाहिए, ठीक है। TDS आप परचेज में जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गए परचेज में, यहाँ से F9 प्रेस करके जाएंगे परचेज में, और यहाँ पर तो पहले हमको जो है इसको एक्टिवेट करना होगा। तो ये देखिए TDS यहाँ पे जाके इसको यस कीजिएगा और एंटर कीजिएगा, और ये सारी डिटेल फिल करके रेस्पॉन्सिबल पर्सन की भी डिटेल फिल कीजिएगा, सेम वही मैंने रख दिया है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा, और एक्सेप्ट करा के यहाँ पर एंटर करके और पूरा डिटेल जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, लास्ट तक एक्सेप्ट कराइएगा, एंटर 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 करते जाइएगा, तो ये जो है TDS जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप TDS भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने TDS को लेकर काफी सारे वीडियोस बनाई हैं। जनरली जनरल वाउचर में TDS को कैलकुलेट किया जाता है या TCS को, लेकिन आप चाहे तो परचेज या सेल्स में जैसे मैंने दिखाया कि आप TDS या TCS कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।